हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। कुकिंग विद ज्योति टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काढ़ा। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आज मैंने काढ़ा बनाया है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और जो काढ़ा होता है तो आपको पता ही है, हमारे देश में COVID-19 सभी जगह फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। अभी इसकी कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई नहीं आई है। तो आयुष मंत्रालय से जो कहा गया है कि आप सभी लोग जो हैं, आप अपने बॉडी को स्ट्रांग रखिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए घर में जो किचन में आपके जो मसाले होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हीं मसालों से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काढ़ा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आज वही काढ़ा तैयार किया है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए। ये काढ़ा बहुत ही जरूरी है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, काढ़ा बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं तुलसी लीव्स। तो ये फ्रेश तुलसी लीव्स हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। और यहाँ पे लगेगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है अजवाइन। और ये है बड़ी इलायची, तो आप देख सकते हैं जो बड़ी इलायची होती है वही मैंने हाफ बड़ी इलायची ली है। और ये है अदरक, अदरक को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और ये है लेमन, और ये है दालचीनी, और ये है काली मिर्च। तो मैं तीन से चार लोगों के लिए बना रही हूँ काढ़ा, तो इसलिए मैंने ये काली मिर्च ली है। और ये है लौंग, और ये मैंने लिया है गुड़ लिया हुआ है, ये 1/3 कप गुड़ है, आप देख सकते हैं। और ये है 1 टीस्पून हल्दी। और ये मैंने लिया है तेजपत्ता। तेजपत्ता बहुत ही आसानी से घर में मिल जाते हैं। तो तेज पत्ते लिए हैं मैंने, 2 तेज पत्ते लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काढ़ा बनाना। काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चाय वाला पैन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। गैस को करेंगे ऑन, और यहाँ पे मैं डालूंगी 4 बड़े कप पानी। तो यहाँ पे मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, देखिए 2 कप, और ये 3 कप, और ये 4 कप। तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ले लिया है। तो पानी में थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, गर्म होने देंगे। तो पानी में बॉयल आ गया है, तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी तेजपत्ता, और फिर मैं डालूंगी इसमें तुलसी लीव्स डाल दूंगी। फिर मैं डालूंगी अजवाइन और बड़ी इलायची। फिर मैं ऐड करूंगी अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, और मैंने ये काली मिर्च और जो लौंग है और दालचीनी, इसको मैंने खलबट्टे पे दरदरा पीस लिया था, उसको ऐड करूंगी। आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। खलबट्टे पे इजीली आप पीस सकते हैं, इसको मैंने ऐड कर लिया है। और इसमें एक बॉयल आने देंगे, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी। तो हल्दी हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है हल्दी, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है, गले में खांसी सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है हल्दी। तो हल्दी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसको बॉयल होने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स का इसमें टेस्ट आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए पानी में। चलाते रहेंगे और खोलने देंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये खोल रहा है, इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा। और जो तुलसी होती है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वो भी एंटी फंगल होती है। और जो अदरक होता है वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे गर्म होते हैं,
तो जो अगर बारिश होती है या कुछ भी आपके बच्चों को या बड़ों को सर्दी खांसी जुखाम कुछ भी होता है तो आप इसको दे सकते हैं और इस काढ़े को आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक इजीली चलता है। हमारे काढ़े को 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर दूंगी और उसको चलाएंगे, अच्छे से घुलने देंगे। इसमें लेमन भी ऐड कर दूंगी, लेमन जूस भी डाल देंगे इसमें। खोले देंगे 5 मिनट और सारे मसालों को अच्छे से पकने देंगे ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से काढ़े में आ जाए। तो 10 मिनट हमारे हो गए हैं, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो हमारा काढ़ा तैयार है, इसको ठंडा होने देंगे। तो इसको मैं चाहे आप ग्लास में चाहे तो आप कप में सर्व कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको बच्चों और चाहे बड़े हों उनको आप थोड़ा सा गुनगुना ही होना चाहिए, हल्का सा गर्म ही आप उनको दें। और गर्मी है तो गर्मियों में आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे होने पे काढ़ा दे सकते हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा काढ़ा जो है वो ठंडा हो चुका है। मैं इसको जार में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो मैं इसको छान लूंगी, तो आप किसी भी छलनी से छान लीजिए। इसी तरह आप सारे काढ़े को छान लेंगे। तो मैंने सारे काढ़े को छान लिया है। तो देखिए मेरा पूरा एक जार पूरा तैयार हो गया है। तो अब मैं अभी इसको कप में या ग्लास में सर्व करके बताऊंगी आपको। तो देखिए मैंने ये ग्लास में ट्रांसफर कर दूंगी। तो मैंने ये दोनों ग्लास में डाल रही हूं और आपको याद रखना है कि अगर ठंड का या बारिश का मौसम है तो आपको आधा ग्लास ही इसको लेना है। और जो लोग अगर मीठा नहीं खाते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आप गुड़ की जगह आप चाहें तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून सेंधा नमक लिया है, इसको ऐड कर दें। इसको मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो जो दिन में एक बार जरूर लीजिए आप। और कोरोना वायरस के टाइम पे इसको लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए स्ट्रांग रखने के लिए ये काढ़ा बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।